यार इतना टाइम हो गया पंजाब से, तुम मेरे को लेके आए मुंडे का एडमिशन करवाना है, और इतने तो हम ये बैठ के टॉर्चर हो रहे हैं, इतने तो कोई पूछ भी नहीं रहा हमको। तुसी चुप रहोगे? हां बोले जा रहे हो, कितना बोले जा रहे हो, बस दर्द कर दिया। ले ए कुड़िए। हां जी मैम। और तू कौन है, चढ़ कुचल करने वाली लग रही है मेरे को तो, है हमको वहां से बुला लिया, और यहां कोई सफाई भी नहीं होती, कैसी पढ़ाई होती होगी स्कूल में, ਬੜਾ ਨਾਮ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਪੀਓਨ ਵਗੈਰਾ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਕਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਤੁਮਨੇ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਕਾਮ ਦੇਖ ਲੈ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੈਮ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਥੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਮ अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बट देखिए सारे पेरेंट्स को वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है जहाँ आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं ये फेमस स्कूल है दिल्ली का, तो टाइम तो लगता है ना, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैम आ जाएंगी। और मैं कोई प्यून नहीं हूँ, आप लोग बार बार मुझे प्यून क्यों बोल रहे हो? ओ, तो प्यून ही लग रही है। प्यून तो लग रहा है, कपड़े तो देख लो, ऐसे तो बढ़िया था मेरी जेडी काम वाली होगी बाती, ओ जेडी हैगी है कमला, ऐसे भी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती है वो, और ये तो क्या घटिया सी 150 वाली साड़ी पा के इतने अच्छे नामी ग्रामी स्कूल में ये क्या कर रही है? ए मेरे नाल चलियो पंजाब में, मैं तेनु बढ़िया बढ़िया कपड़े ला के दूंगी, नाले कम भी कराऊंगी तेरे से। हां तो टेंशन मत लियो, पैसे की कोई कमी नहीं है, और छुट्टी भी दे दूंगी तेरे को। देख हमारे यहाँ रहेगी ना रईसी ठाट है, हम ज्यादा परेशान नहीं करते, दूध ते लस्सी ते चाय साथ रहेगी। हाँ सरसों का साग मक्की की रोटी मक्खन का पा के क्या चुक्की जी पई है, साढ़े बार तो जाकी बार को रहना चाहिए। जल्दी भेज फिर जी तो छेती जा, मुंह क्या देख रही है हमारा, तक रही है, चल चल जा अपने प्रिंसिपल को बुला, यार भूख लगी यार ना, तो चाय पानी कुछ भी नहीं पूछे है सानू। हां हां और अजी तैनु भूख लग रही है तो चल बाहर छोले कुलचे खिला। अब तुझे समझते नहीं गल, इधर से जाएंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा, पर शाम हो जाएगी वापस भी जाना है। हां वो जा जा दिमाग का खाप जा बुला के ले गया अपने प्रिंसिपल को, अब छोटे मोटे लोगों के ना मुंह नहीं लगते। बहन जी जल्दी जाओ जी, वो जानती नहीं देखो कितना खाकाट काट के मेनू देख रही है, और खा रहे भी क्या, वो खता सानू लग रही तू सानू खाएगी। चार नहीं तुसी की चीज लेके आ गए थे, बड़ा नामी ग्रामी स्कूल है, आप दोनों ऐसे नेचर में हो, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, और नेचर इतना तुच्छ, और आप लोग खुद पंजाब से दिल्ली इसलिए आए ताकि आपके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिल सके, अगर पंजाब में वो चीज होता ना तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं थी, और इस स्कूल में भी आने की जरूरत नहीं थी। और रही बात मेरी साड़ी पहनने की, आपको पता है मैंने साड़ी क्यों पहना है? क्योंकि मेरे स्कूल में मैं ही नहीं सारी टीचरें साड़ी पहनती हैं, और आपको इतना पता भी होना चाहिए कि सारे बच्चे भी सेम ड्रेस पहनते हैं, जानती है क्यों? क्योंकि किसी में भी अमीरी और गरीबी का भेदभाव ना हो, जैसे आप अपनी अमीरी का ध्वज जता रही थी। आप जैसे कुछ पेरेंट्स इस स्कूल में आते हैं बट हम उन्हें ऐसा कोई मौका ही नहीं देने देते, और ड्रेस तो छोड़िए मैं तो किसी को लंच बॉक्स भी बाहर से लाने की परमिशन नहीं देती हूँ, कोई भी बच्चा अपने घर से लंच बॉक्स लेके नहीं आता है, ताकि सब में इक्वलिटी हो। और टीचर साड़ी पहनेगी नहीं तो क्या वन पीस पहनेगी? अगर टीचर वन पीस पहनेगी मैम तो बच्चे क्या पहनेंगे? बच्चों को अच्छा बनाने के लिए ना हमें खुद उन हर चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मैं इतनी सिंपल क्यों हूँ? मैंने ना कोई गहने पहने हैं ना मैंने इयर रिंग तक पहने हैं, जानती हैं क्यों? क्योंकि ताकि मैं बच्चों को मना कर सकूँ। और मैम आपको पता है ना कि उस जनरेशन के बच्चे कोई भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, उनको फॉलो कराने के लिए हम टीचरों को सिंपल रहना पड़ता है। मैडम जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे मिसबिहेव के
और जैसे ना आप हमारे बच्चे को सजावट देना, उसका एडमिशन कर देना प्लीज। और आपने जो भी बिहेव मेरे साथ किया, इसकी सजा मैं आपके बच्चे को नहीं दूंगी।